हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यहाँ हम प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम, न्यूबॉर्न केयर पर सारी बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। डाइट एंड लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन आइडियाज मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, केयर की टिप्स शेयर करती हूँ। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सी सेक्शन के पास कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं होता इस वजह से। तो उन चीज़ों को आप याद रखें, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इस क्रम को आगे बढ़ाएं, वीडियो दोस्तों से भी आप शेयर कर सकती हैं जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ध्यान रखना है आपको जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो जबकि सी सेक्शन डिलीवरी हुई है वो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज कई लेयर होती है यूट्रस तक पहुंचने में। आपकी स्किन, ये रही आपकी पेट की स्किन और यूट्रस, उसके बीच में कई लेयर्स होती हैं, तो सबको कट करके यूट्रस तक जाया जाता है और सूचर्स अंदर से चालू होते हैं। अंदर की लेयर्स भी सिली जाती है, तब ऊपर स्किन का नंबर आता है। तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ऐसे में घाव भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऊपर का घाव आपको 8-10 दिन में सूखा हुआ नजर आता है, लेकिन अंदर तक पूरी हीलिंग होने के लिए 3 महीने कहा जाता है कि 3 महीने में जाके वो घाव अच्छे से भरता है। तो 3 महीने का पीरियड थोड़ा सा तो सेंसिटिव होगा, थोड़ा सा तो नाजुक रहेगा, और इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि 1 महीना हो गया, 40 डेज हो गया, यस आई कैन डू एवरीथिंग, नो। ये अप्रोच गलत है और इससे आपके टाकू में प्रॉब्लम आ सकती है और हमेशा के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। कई लोग अपनी प्रॉपर केयर नहीं करते तो उनका रीसूचर होता है, उनके टाकू में गैप आ जाता है, वो परेशान होते हैं। सो अगर आप पूरा ख्याल रखेंगे तो चीजें आपके साथ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगी। लेट्स सी क्या ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे ही आपको खाने के लिए अलाउ होता है तो आप पपाया, खीरा जैसी चीजें जैसे ही आपका सॉलिड चालू होता है वो लें, क्योंकि आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है, आपको यूरिन एंड स्टूल सही से आसानी से पास होना चाहिए। बिकॉज अगर सी सेक्शन हुआ है और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी और बहुत तनाव होगा टांगों पर और दर्द होगा, पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ब्रेकफास्ट के बाद में और शाम को टी टाइम पे एक बॉल पका हुआ पपीता जरूर खाएं, थोड़ा सा खीरा अपनी डाइट में जरूर रखें जिससे स्टूल में बल क्रिएट हो और स्टूल इजीली स्मूथ पास हो सके। फ्लूइड बराबर लेते रहें, पानी की कमी शरीर में ना रहे। अब आपके बेबी आ चुका है तो ऐसे में बेबी को ब्रेस्ट फीड भी आपको कराना है, लेकिन हमेशा याद रखें कि बिल्कुल आगे झुककर इस तरीके से आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। ब्रेस्ट फीड कराना है तो आप अपना पोस्चर सीधा रखें, फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब आगे से अपनी बॉडी को इस तरीके से झुकाना बिल्कुल भी गलत है। किसी काम के लिए, कुछ सामान उठाने के लिए, कोई चीज पकड़ने के लिए, बच्ची को संभालने में भी आगे की तरफ आपको दबाव नहीं डालना, झुकना नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल मना है। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने टाइम ही आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि काम के लिए घर के बाकी लोग भी होते हैं। तो ऐसे में आप सबसे पहले किसी से पिलो लेके अपनी गोद में रखें, पिलो पे बेबी को रखें एंड देन आप अपना हाथ लगा के बच्चे को सर को होल्ड करके अच्छे से बच्चे को फीड कराएं, लेकिन आगे की तरफ झुके ना। डिलीवरी के बाद क्या हम छोटा मोटा सामान उठा सकते हैं? कॉमन क्वेश्चन होता है कि सपोज 10-12 दिन हो गए तो छोटा मोटा पानी का जग उठा लिया, कुछ ही उठा लिया या कपड़े ले आए बाहर से, कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी थोड़ा हैवी, हैवी मतलब कितना, क्राइटेरिया क्या होगा, आपके बच्चे के वजन के बराबर सामान आप ले सकते हो, क्योंकि बॉडी को आदत हो जाती है इतने दिन में कि बच्चे को उठा रहे हो, फीड करा रहे हो, लेकिन उसके वजन से ज्यादा की कोई भी चीज आपको हैंडल नहीं करनी है, उठानी नहीं है, रखनी नहीं है, खिसकानी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको ज्यादा वजन की चीजों को। कई बार ऐसा है कि कोई गेस्ट आ गए, न्यूबॉर्न बेबी है, देखने के लिए रिलेटिव्स आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको एक ध्यान रखना है कि ऐसे में पता ही नहीं चलता कि 1-2 घंटा कब निकल गया ना, आपका सी सेक्शन हुआ है, अब ज्यादा देर उनके साथ बैठे रह जाती है, शिष्टाचार, लॉन्ग आवर्स सिटिंग नहीं करना चाहिए। फीडिंग कराया, थोड़ा बहुत टहल सकती हैं आप, मूवमेंट थोड़ा बहुत घर के अंदर करें, चलें ताकि थोड़ा सा सर्कुलेशन भी रहे, सुबह शाम 2 बार बेड से उठें, अपने घर घर के अंदर मूवमेंट जरूर करें, लेकिन आपको ज्यादा देरी तक बैठना नहीं चाहिए। ये वक्त थोड़ा नाजुक होता है। जुकाम और खांसी 2 ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपको छींक आती है, अगर आपको कफ बनता है या फिर अगर आपको खांसी हो जाती है, तो खांसने से, छींकने से, कफ बनने से जो प्रेशर पड़ता है आपके गले में जब आप खांसती हैं, छींकती हैं, तो पेट पर खिंचाव होता है, तो टांगों पर भी तनाव होगा, दर्द हो सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, ठंड से बच के रहना, सिर को बांध के रखना, मोजे पहन के रखने हैं, डायरेक्ट रूम से निकल के एकदम बालकोनी में या छत पे चले गए ऐसा नहीं करना, विंडोज डायरेक्टली बिल्कुल नहीं खोलनी, एसी फैन कूलर के नीचे डायरेक्ट नहीं आना,
कपड़े ठीक से पहन के रखने हैं कि आपको जुकाम न लगे, ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आपका एलर्जी है, जैसे गला खराब होता है या आपको खांसी होती है। इन चीज का पूरा ध्यान रखिए, जुकाम खांसी से इस समय आपका बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है स्टिचेस की। स्टिचेस की बात करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके स्टिचेस पर पानी लग गया, आपने सुखाया नहीं उसको, हाइजीन नहीं रखा, स्वेटिंग हो रही है, होने दिया कि नॉर्मल है, अब बॉडी है, अब स्वेटिंग हो रही है, टांगों में नमी है, चलने दिया, तो ऐसे टांगों में इन्फेक्शन आ सकता है। तो अपने डॉक्टर से बात करें, लोशन पाउडर कुछ तो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। अगर वेदर हॉट है, स्वेटिंग हो रही है, तो एसी का यूज करें, फिर भी स्वेटिंग हो रही है। अगर बेली पे फैट है तो वहां फोल्ड होता है पेट, तो उस टांगों पे पसीना आ सकता है, तो कुछ ऐसे लूज कॉटन क्लॉथ पहने। टांगों को पानी से बचाना है, हाइजीन रखना है, ड्राई रखना है। जो भी लोशन पाउडर डॉक्टर देते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसका अप्लाई करना है, तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, कपड़े डेली चेंज करें, कॉटन फैब्रिक का ही इस्तेमाल करें। स्ट्रेस, डिलीवरी के बाद चीजें एकदम से बदल जाती है। बच्चा पूरी रात जगता है, न्यूबॉर्न बेबी एक महीने तक अपना रूटीन सेट करते हैं, तो रात को भी ज्यादा जगते हैं और रोते भी हैं, तो ऐसे में माँ को कई बार जगना पड़ जाता है। अगर हेल्प नहीं है तो भी जगना पड़ता है, तो ऐसा में सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो जब बच्चा सोता है तब आप नींद लें। बच्चा 18 घंटे 20 घंटे सोता है तो उसमें से थोड़ा वक्त आप अपने लिए ले लें, और जब बच्चा सोए तब आप भी अपनी नींद पूरी करें। 8-9 घंटे की नींद चाहिए आपको हीलिंग के लिए। अगर ये नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में आपको स्ट्रेस होता है, और अगर स्ट्रेस आपको होता है आफ्टर डिलीवरी तो इससे आपका घाव भरने में दिक्कत आती है, रिकवरी में दिक्कत आती है। तो आप स्ट्रेस से जरूर बचें। आफ्टर डिलीवरी कैसे भी करके आपको अपना स्ट्रेस भगाना है, दिमाग को डाइवर्ट करें, कंडीशन को हैंडल करें, बहुत ज्यादा परफेक्शन को ना सोचें, इस समय सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में जैसा आप चाहती हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करें, खुद को कूल डाउन रखें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।